रसूल सलाम अलैका या है
हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलाअल बद्र अलैना मिन सनीअतिल वदाई तलाअल बद्र अलैना मिन सनीअतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका नस्बतों से काम लेंगे नस्बतों से काम लेंगे ये मजे गुलाम लेंगे जब ये उनका नाम लेंगे खुद वो बढ़ के काम लेंगे या नबी सलाम ले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम या रसूल सिर पर हो उसका सर हो तेरा दर हो सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना मगरीबा
दिल मा आफरी बरदस्त व बर्बादू तो या इलाही सदकाए मुए रसूल सलामी आज दाना हो कबूल या इलाही सदकाए मुए रसूल या इलाही सदकाए सलामे आज दाना हो कबूल या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज दाना हो कबूल मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम मेरे मालिक अपने हबीब के सदके हम खाली दामन आए हैं इन बुजुर्गों के सदके इन वक्त लोगों के सदके हमारे दामन को हमारी दुआओं से मुरादों से भर दे मेरे परवरदिगार जिन दोस्तों ने उर्स की इन तकारीब में इनको खूबसूरत बावकार बनाने में हमारी मदद की मेरे अल्लाह उनको हमेशा बावकार रखना मेरे मालिक अपने हबीब का सदका जिस खानदान ने जिन अफराद ने जिन अजीम हस्तियों ने सैयद अज़मत अली शाह साहब ने हमें मुए मुबारक का तोहफा दिया मेरे मालिक उनको हमेशा उनकी औलाद को अपनी मोहब्बत अपने प्यार और अपनी इज्जत के तोहफों से मालामाल रखना मेरे मालिक अपने हबीब का सदका हमारी इल्तजाओं को कबूल फरमा हमारे रस्तों को आसान फरमा आज तेरे नबी का हुए मुबारक इस गरीब उद्दयार लोगों की बारगाह में तशरीफ ला रहा है हमें उसकी तकरीर की उसकी इज्जत की तौफीक नसीब फरमा मेरे परवरदिगार आज वो हो रहा है जिसकी हमें कभी तवक्को नहीं थी आज वो करम हो रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं आज वो करम हो रहा है जिसका कोई शुमार नहीं जो दुनिया के सारे लोगों से वो कर्म मुअज्जज कर देता है मेरे मालिक रहम फरमाना हम पे करम फरमाना हमें उसकी तकरीम की तौफीक देना मेरे परवरदिगार मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा मेरे मुसलमान भाई जिस जगह है परेशान हाल है उनकी दस्तगीरी फरमा हिंदुस्तान में मुसलमान जिस परेशानी और जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें माफ फरमा दे उन्होंने फैसले की घड़ी में दुरुस्त फैसला नहीं किया गलत फैसले होने की सजा सदियों पे जाती है लेकिन तू उन्हें माफ कर दे उनकी इस जिल्लत और रुसवाई को खत्म फरमा मेरे मालिक हमारे मुल्क के मामलात में आसानियां फरमा सियासी आवेजशें बढ़ती जा रही हैं उन्हें खत्म कर सबको इस मुल्क की खिदमत के ऊपर लगा दे या करता हूँ या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी बच्चियों को क्या आबरू बंद रखना मेरे परवरदिगार उनको हर किस्म की तकलीफ परेशानी से महफूज रखना उनको इज्जत आबरू की जिंदगी देना उन्हें बेबसी से बचाना उन्हें मायूसी से बचाना परेशानी से बचाना उन्हें बेबरकतियों से बचाना मालिक जो उनके रिज्क है उनमें बरकत डालना उनके जो प्रोजेक्ट और मनसूबे फरमाना या रब तू करीब है व रसूल तू करीब सत शुक्र के हस्ते मैं होने दो करीब तू भी सखी तेरा रसूल भी सखी
तू भी करीम, तेरा नबी भी करीम, सदका अपने दो करीमों का हमारी झोल भर दे, हमारे दामन को भर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। मेरे मालिक का भी शुमार करें ना तेरी इनायतों का तो हम कर नहीं सकते। तूने हमें इज्जत के घर में पैदा किया, तूने हमें बड़े नामों की निस्बत अता की, तूने हमारे दामन में खैर और बरकत की भरमार कर दी। मेरे परवरदिगार ये नेमत छीन न ले लिया, ये अपने अपनी मोहब्बत और अपनी इनायत का हमें ख्याल रखना। मेरे वो बच्चे, मेरे वो अजीज जो मुख्तलिफ कारोबारों में मसरूफ हैं, उनकी दस्तगीरी फरमा, उनके प्रोजेक्ट में बरकत अता फरमा। जो हमारे अजीज भाई यहाँ हैं उन सब की खैर, जो यहाँ नहीं हैं, जो मुल्क से बाहर है पाकिस्तान में कहीं भी हैं, उन सब की खैर। हमारे वो दोस्त जो हजूर के बुए मुबारक की एहतराम और उसकी तकरीर में वहां से उस बुए मुबारक को लेके आएंगे, उन सब के ऊपर फजल फरमा। और ये अगर हमारे मेहमान लोग कसीर तादाद में आए तो परवरदिगार उन्हें कोई हादसा ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, आए खैर से और खैरें लूटते हुए वापस जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्की व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम हज़रात वजू फरमा लें, वजू ताज़ा कर लें, खाना खा लें, लंगर ले लें, और जो आदाब हमारे मोहतरम कादरी साहब ने बताए हैं उनका जरूर ख्याल रखें। ये आपके ऊपर तो अल्लाह ने इनाम कर दिया था, लेकिन वो मेहमान जो आए, जो आज आए हैं फिर कभी आ सके या ना आ सके, उनको जरूर मौका देना, ताकि वो क्या खूब बात की। आप उसे नहीं देख रहे, वो तो आपको देख रहे हैं। आप उसे नहीं देख रहे, वो देख रहा है, वो अपने दिल की हकीकतों और आपके गुदाज को जान रहा है। अल्लाह आप सबके लिए आपका हामी नासिर।